किसी ने खूबी कहा है, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं जिंदगी में, उनके ही सितारे चमकते हैं जिंदगी में, जो मजबूरियों का रोना कभी रोया नहीं करते। इसलिए जिंदगी संघर्ष है, इसे करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने कार्य को कंटिन्यू रखें। और हमारी क्लास द वॉइस, हमारा लेक्चर जिसके अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर हम आज एक टेंस कर रहे हैं जिसका नेम पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको क्या दिया जाएगा? एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा मिलेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने इसको पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हम एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई हैव स्पोकन द ट्रूथ। आई क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। स्पोकन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रूथ क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट में। बाकी आपको रूल है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, उसको आपने किस में चेंज करना है? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आपको द ट्रूथ हैड, यहां पर आई हैड लिखेंगे हम, आई हैड यहां पर, सॉरी हैव लिखा गया था, हैड। द ट्रूथ हैड बीन स्पोकन, द ट्रूथ हैड बीन, द ट्रूथ वर्ड आया, हैड के साथ किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड बीन में। ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ आपको दी होती है, आपने इसको स्पोकन ही रखना है। आई को प्रोनाउन है, इसको किस में चेंज करेंगे? आई को बाय मी। इस तरह से हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ सिंपल। इसको हम एक सेंटेंस का और एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में भी लेंगे एक्टिव वॉइस। जैसे हम इसका लेते हैं एग्जांपल, बोले अनामिका हैड नॉट किल्ड ए स्नेक। अनामिका हैड नॉट किल्ड ए स्नेक। अनामिका वर्ड क्या है? सब्जेक्ट। हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट। कीजिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज। आप क्या करेंगे? ए स्नेक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है, आप इसको किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। ए स्नेक, यहां पर हैड नॉट है, हैड नॉट, आपने हैड नॉट के साथ क्या लगाना है? बीन, और फिर बाय किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड, और अनामिका का बाय अनामिका, अनामिका का बाय अनामिका, इस तरह से बाय अनामिका। अनामिका हैड नॉट किल्ड स्नेक, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैड नॉट का हैड नॉट बीन, किल्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, अनामिका का बाय अनामिका। इसी तरह से एक इंटरोगेटिव का एग्जांपल लेंगे, हैड शी नॉट रिटन ए पोएम, रिटन ए पोएम। कीजिए हैड हेल्पिंग वर्ब, ये शी सब्जेक्ट, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ए पोएम ऑब्जेक्ट। कीजिए ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कीजिए? ऑब्जेक्ट। ए पोएम वर्ड ए सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड का क्या रहेगा? हैड ही, हैड ए पोएम, नॉट यहीं पर, और इसके बाद बीइंग, हैड का बीइंग यहां नहीं लगाना, हैड के बाद जहां नॉट नॉट बीइंग, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड ही रहेगी, रिटर्न की, रिटर्न,
और शी का क्या लगाएंगे, बाय हर, शी का क्या लगाएंगे, बाय हर। तो यहां पर क्या बन गया, हैड शी नॉट रिटर्न ए पोएम, आपने हैड ए पोएम नॉट बीन रिटर्न बाय हर, इस तरह से इसका यूज कर लें। नेक्स्ट टेंस कौन सा रहेगा हमारा इसके बाद, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस को। हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यू कैन से इट सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें विल और शैल का यूज, प्लस में आपको क्या दिया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट इसको किसमें चेंज करेंगे, विल का वुड शैल का शुड, लेकिन वो तो नरेशन में होता है, लेकिन यहां आपने ध्यान रखना है विल और शैल का क्या करना है, हमने विल और शैल सेम हेल्पिंग वर्ब इसी तरह से रहेंगे, साथ में इसकी क्या लगेगा बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई शैल राइट ए नोवल, आई शैल राइट ए नोवल। एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया है आई क्या है आपके पास, सब्जेक्ट। शैल क्या है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब। राइट क्या है आपके पास, वर्ब। ये नोवल आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। कीजिए कन्वर्ट इसको किसमें, पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट को पहुंचाइए अपनी जगह पर, सब्जेक्ट का प्लेस वहां है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करेंगे आप, सब्जेक्ट में। फर्स्ट आपने क्या करना है, ए नोवल, ए नोवल। अब आपने ये भी ध्यान रखना है आई वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, और यू दे ही शी इट, इन सब के साथ क्या लगेगा, विल का यूज होगा। ए नोवल, यहां पर ए नोवल सिंगुलर है, विल, और उसके बाद अपनी आपने अपनी तरफ से क्या लगाना है यहां पर, बी, और राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट रॉट रिटर्न, और आई को प्रोनाउन को किसमें चेंज करेंगे, बाय मी। इस तरह से आई शैल राइट ए नोवल, मैं एक उपन्यास लिखूंगा, एक उपन्यास मेरे द्वारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल हम किसका लेंगे, नेगेटिव का लेंगे। नेगेटिव का एग्जांपल दे रहे हैं यहां पर, नेगेटिव का एक्टिव वॉइस क्या लेंगे, जैसे ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करेगा। तो आपने इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो मी का, मी आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आकर क्या होगा, मी सब्जेक्ट, ही आपका सब्जेक्ट है, कीजिए इधर कन्वर्ट, आप बनाइए इसका ऑब्जेक्ट। मी का, मी प्रोनाउन है, अगर आई को हम कन्वर्ट करते हैं मी में, तो मी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, आई में। आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल, आई शैल नॉट, और फिर क्या लगाएंगे, बी। यहां बताया गया था आई के साथ शैल का यूज करना है, आई शैल नॉट बी हेल्प की वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, और ही को किसमें चेंज करेंगे, बाय हिम में चेंज करेंगे। इस तरह से वह मेरी सहायता नहीं करेगा, मेरे द्वारा उसकी सहायता नहीं की जाएगी, आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। तो आपने मी का किसके, आई में, विल शैल का शैल, नॉट का नॉट, यहां पर बी का यूज, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ही का बाय हिम। एक इसका इंटरोगेटिव के अंदर एग्जांपल लेंगे हम, इंटरोगेटिव के अंदर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, आपने इसको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस आपको दिया गया है, आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपने ए सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। बार बार मेरे द्वारा हर लेक्चर के अंदर इसकी फॉर्मेशन को समझाया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ जाए कि सब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है, सब्जेक्ट में। इंटरोगेटिव में हमेशा ध्यान रखिए इंटरोगेटिव तो लगेगा, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क होगा। इसके अंदर हम ए सॉन्ग को लाएंगे, ए सॉन्ग,
हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले है हेल्पिंग वर्ब, तो आपने इसको पहले रखना है। विल का विल, ए सॉन्ग के साथ विल, नॉट का नॉट, बी का युग, सिंग सेंग संग, और ही का बाय हिम, ही का बाय हिम। तो क्या हुआ, विल ए सॉन्ग, नॉट बी संग बाय हिम। इस तरह से आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इसके बाद है जिसका चेंज नहीं होता, नेक्स्ट है एक इसका थर्ड पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, प्लस में है, प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, विल शैल, फ्यूचर में विल शैल लगेगा, परफेक्ट के लिए है लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको किस में दिया जाएगा, एक्टिव वर्ब्स में। आपने इसको चेंज पैसिव वर्ब्स में जब करोगे तो विल और शैल का, विल और शैल हैव के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, प्लस में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका किसके अंदर होगा, पैसिव वॉइस में। चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे शी विल हैव, शी विल हैव प्रिपेयर ए कप ऑफ टी, ये आपको दिया गया, वह एक कप चाय तैयार कर चुकी होगी। शी क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए कप ऑफ टी क्या है, ऑब्जेक्ट। वही सेम मेथड, ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट, ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, विल का विल, हैव विल हैव का विल हैव, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव हैव के साथ क्या लगेगा, विल शैल हैव, हैव के साथ आपने क्या लगाना है, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है आपको, प्रिपेयर बाय हर, बाय हर, शी विल हैव प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी, वह एक कप चाय तैयार कर चुकी होगी, या एक कप चाय उसके द्वारा तैयार की जा चुकी होगी। तो यहां पर हमने सिर्फ विल शैल के साथ बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी कन्वर्ट किया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को किस में, सब्जेक्ट में। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल भी ले लेते हैं एक यहां पर, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। एक्टिव वॉइस में आपको जैसे विल शी हैव स्पोकन द ट्रूथ, स्पोकन द ट्रूथ क्वेश्चन मार्क, तो आपने क्या करना है, शी आपका क्या है, सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब है, विल और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है, स्पोकन आपका क्या है, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द ट्रूथ आपका ऑब्जेक्ट है। लीजिए ऑब्जेक्ट का क्या बनाइए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट। आपने द ट्रूथ वर्ड इधर लिखने, द ट्रूथ और विल का विल, विल हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले ही रखना है आपने, बिफोर सब्जेक्ट, द ट्रूथ विल, द ट्रूथ हैव का हैव, साथ में क्या लगाएंगे, बीन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और फिर शी को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय हर में, वो सुना। आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, इधर आकर क्या बन गया, सब्जेक्ट, हैव का हैव, बीन का बीन, स्पीक स्पोक स्पोकन थर्ड फॉर्म है, आपने इसको थर्ड ही रखना है, शी का क्या करना है, भाई हर। और एक एग्जांपल हम लेंगे यहां पर एक्टिव वॉइस के अंदर नेगेटिव का, आई शैल नॉट हैव स्टॉलन योर पास,
योर आई शैल नॉट हैव स्टोलन योर पर्स। तो आपने यहां पर इसको पैसिव वॉइस में क्या करना है, योर पर्स विल नॉट हैव, योर पर्स विल नॉट हैव, योर पर्स विल नॉट हैव। और फिर किसका यूज करना है, यहां पर शैल नॉट हैव है, विल नॉट है, और फिर आपने हैव के साथ क्या लगा देना है, बीइंग स्टील स्टॉल स्टॉलर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपने आई को किसमें चेंज करना है, बाय मी। इस तरह से इसका आपने योर पर्स पहले, फिर योर पर्स के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन स्टॉलन थर्ड फॉर्म और बाय मी। आई है इसका प्रोनाउन क्या रहेगा, बाय मी। इस तरह से आप कंप्लीट टेंस जो 8 टेंस है, पीछे की वीडियो को आप जरूर चेक किया करें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एक सीक्वेंस में रखे गए होते हैं, जिनको आप सीरियल वाइज अगर करेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया और अच्छे से तैयारी होगी, और सीबी मधुआ क्लासेस को आप इसी तरह से प्यार देते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, ताकि कंटिन्यू हर टॉपिक को आपको बड़े आनंद और मजे के साथ करवाया जा सके। थैंक यू।